हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक ए लुक विद कुसुम। और अभी कुसुमिका, तो आज है सैटरडे इवनिंग, तो हम लोग सब इवनिंग में निकले थे बाहर, एक जगह में जाएंगे, आप लोग देखिएगा कैसा लगता है। तो जाने का टाइम में इधर से पेट्रोल पंप से थोड़ा पेट्रोल भर लिए गाड़ी में, और इधर हम लोग तीन जन ही थे, तीन जन मिलके जा रहे थे। तो कहाँ जा रहे हो तो देखना, देखेंगे आप लोग, अच्छा लगेगा। और आजकल सभी जा रहा है उधर, विजिट कर रहे हैं, आप लोग भी चलिए मेरे साथ। ये है त्रिशक्ति धाम, सिविल टाउनशिप में है, और ये हाईटेक, जो इधर का जो हाईटेक हॉस्पिटल है तो उसका एकदम बगल में ही है, और आपका जो हनुमान वाटिका है उसका ऑपोजिट में है। तो चलिए आज आप लोगों को नया एक जगह में घुमा के लेती, घुमा देती हूँ। तो चलिए, तो इधर एंट्रेंस है, एंट्रेंस का इधर सब, इधर से एंट्रेंस करना है। तो देखिए एंट्रेंस के ऊपर में ऐसा पूरा सुंदर करके एक छत तरफ किया है, और इधर कौन कौन आया था, वो जो पहला दिन जो कौन कौन आया था वो सब लिखा हुआ है इधर। और इधर शिव का एक छो मूर्ति किया है, वो देखने में इतना सुंदर है, और पूरा झरना गिर रहा है, पानी जो गिरता है ऐसा गिर रहा है, और वैरायटी कलर का लाइट भी है, तो देखने में इतना सुंदर लग रहा था। और इधर पूरा इंडोर प्लांट सब सजा हुआ था, कोई फूल वाला पौधा है, कोई ऐसा ही इंडोर प्लांट से सब देके सजा के रखा था। और इधर दो तरफ से सीढ़ी है, और ऊपर में है माता सती का मंदिर, माता सती का जो मूर्ति है सब है ऊपर में, दोनों सीढ़ी है, पास से जाना पड़ता है ऊपर में सती मंदिर में। तो चलिए ये दिखा के फिर हम लोग भी जाएंगे ऊपर में। ये जो शिव का जो मूर्ति किया है बड़ा सा, ये देखने में इतना अच्छा लग रहा था, इतना अट्रैक्टिव था, जो सब इधर आपका वीडियो ले रहा था, तो इधर हम भी थोड़ा वीडियो वीडियो लिए, थोड़ा अच्छा लग रहा था, मेरा फैमिली के साथ वीडियो लिए इधर खड़ा हुए, और देखिए वीडियो ले रहे थे, तो कुछ क्लिप इधर भी डाल दिए है, आप लोग भी देख लीजिए, अच्छा लग रहा था। इधर बैठ के भी हम थोड़ा फोटो खींचे, सब इंडोर प्लांट्स इतना सुंदर करके सजा हुआ था, जो फोटो में भी अच्छा लग रहा था। तो इधर मैं और मेरा लड़की दो जोर एक साथ फोटो खींच रहे थे। तो और पीछे था पूरा जो शिव का जो मूर्ति वो, और इतना अच्छा लग रहा था, कलरफुल जो लाइट, इतना अच्छा लग रहा था कलरफुल लाइट के चलते। तो चलिए अभी हम लोग ऊपर जाते हैं, ऊपर में है मंदिर, तो इधर से जाते हैं, और आने का टाइम में उधर से आएंगे। चलिए पूरा देखिए, इंडोर प्लांट्स पूरा सजा हुआ है, सुंदर लग रहा था, और ऊपर में जो देख रहे हैं ना वही है मंदिर। तो मंदिर भी बहुत सुंदर था, और इतना बड़ा जायगा लेकर ये मंदिर हुआ है ना, बहुत बड़ा जायगा है, और ऊपर में भी बहुत सुंदर मार्बल टर्बल मार्बल भी जो है ना बहुत अच्छा लग रहा था, नया वाला कुछ वैरायटी टाइप का मार्बल लग रहा था, और मंदिर भी बहुत सुंदर था, उसका जो कारुकाज है वो भी इतना सुंदर था ना देखने में। तो कुछ कुछ हमने भी आप लोगों को इधर शेयर किए हैं, और लेकिन मंदिर का जो मंदिर में आपका फोन उतना अलाउ नहीं था, तो फोटो जितना खींच पाए उतना ही खींचे हैं, ज्यादा नहीं खींच पाए, क्योंकि उधर लिखा हुआ था जे कैमरा नॉट अलाउ बोल के, तो इसीलिए हम जितना बाहर से आप लोगों को दिखा पाए अच्छे से, भीतर में थोड़ा बहुत खींचे थे, वो वाला ही आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए हम लोग देखिए चला गया मंदिर के अंदर में, बहुत भीड़ था मंदिर के अंदर में, कुछ पूजा शायद हो रहा था, और बाहर में भी बहुत सुंदर लग रहा था भीतर तरफ, तो बाहर से ही हम दिखाए जो मंदिर है कि कौन देवी का मंदिर है वो भी दिखा दिए। देखिए सब इधर से अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन भीतर में भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए थोड़ा माता का दर्शन कर लेते हैं,
उधर पूजा हो रहा था, कुछ मारवाड़ी टाइप मारवाड़ी जो लोग होता है वो लोगों का कुछ शायद पूजा हुआ हो रहा था। तो हम लोग भी उधर थोड़ा देख रहे थे कैसा पूजा वो लोग करते हैं। और हम लोग नहीं, बहुत जोर था उधर, कोई कोई खड़ा हुआ था, कोई बैठ भी गया था उधर। और इधर दो ठो कूलर रखा था, इतना सुंदर हवा दे रहा था, उतना गर्मी भी नहीं लग रहा था। तो चलिए हम लोग भी थोड़ा दिखा देते हैं कैसा कैसा पूजा इधर होता है। शायद मारवाड़ी लोग का ही पूजा हो रहा था क्योंकि बहुत सज गज के लोग रहते हैं, तो अच्छा लग रहा था। और ऊपर में देखिए कारुकाज भी इतना सुंदर था ना, मस्त था। तो सोचे थे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। जो जो राउरकेला में रहते हैं, इधर अभी तक नहीं आए, प्लीज आ जाइए, अच्छा लगेगा। कोई छुट्टी का दिन तुरंत आ जाइए, अच्छा लगेगा, क्योंकि छुट्टी छुट्टी देख के आप लोगों को आना पड़ता है। और ज्यादा दूर भी नहीं है, सिविल टाउनशिप का एकदम सामने ही है और उधर ही है। तो चला आइए, हाईटेक जो हॉस्पिटल है उसका एकदम सामने, मतलब ऑपोजिट पे ही है। तो यही है, देखिए भीड़ तो है, उधर पूजा भी हो रहा था। और ओढ़ना देकर पूजा हो, चुनरी देकर पूजा हो रहा था इधर, कुछ शायद उन लोगों का रिचुअल है। तो वही आप लोगों के साथ कुछ शेयर किए, उधर भी पूजा हो रहा था, आप भी पूजा देख रहे थे, आप लोग को भी शेयर कर रहे थे। जो आप लोग जब आएंगे तब पूरा देख पाएंगे कितना सुंदर है ये मंदिर। और जो जो अभी तक नहीं देखे मिस मत करिए, चला आइए, क्योंकि बहुत हिंदी ब्लॉगर बोलिए, उड़िया ब्लॉगर बोलिए, अभी तक ये वाला नहीं दिखाया है। तो हम सोचे इतना सुंदर एक तो जाएगा, आप लोगों को नहीं दिखाना से तो नहीं चलता है ना, तो इसीलिए मेरा ब्लॉग में ये जाएगा। तो आप लोग जरूर देखिएगा और प्लीज उधर विजिट भी करिए, अच्छा लगेगा, माँ का दर्शन करिए, अच्छा लगेगा, एक ठो दिन अच्छा जाएगा। और इधर गान हो रहा था, गान बजना हो रहा था, वो भी थोड़ा क्लिक हम ले लिए थे। और अभी हो गया माँ का दर्शन, अभी बाहर जा रहे थे। तो बाहर जाने के टाइम में जो आपका पिक्चर वो सब हम इधर क्लिक किए है, देखिए फोटो खींचे है। तो फोटो जब जाने का टाइम में ऐसा लगता है, देखने में बहुत सुंदर है मंदिर। छो मेरा तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ अच्छा ही लगा होगा, ये मंदिर इतना सुंदर है जो सबको अच्छा लगेगा। तो देखिए उधर से हम लोग आए थे, इधर से जा रहे हैं। तो इधर जाने का टाइम में भी कैसा लगता है, वो शिव का जो मूर्ति है वो कैसा लगता है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो इधर सब लोग बैठे थे, कोई खड़ा थे, कोई फोटो खींच रहे थे, तो हम भी फोटो थोड़ा खींचे हैं। तो जाने का टाइम में भी थोड़ा दिखा रहे थे जो कैसा कैसा लगता है। तो चलिए अभी चलते हैं नीचे तरफ। तो नीचे जाने का टाइम में इधर देखिए, फिर वो झरना दिखाई दे रहा है आप लोगों को। और इधर शिव जी का मूर्ति जो है वो भी है इधर, और अच्छा लग रहा था। पूरा कलरफुल जो लाइट दिया है ना झरना का, वो भी झरना का झरना जब गिर रहा है वो लाइट भी अच्छा लग रहा था। तो इधर भी देखिए, इधर एक देखिए, इधर है शिव जी का वो बड़ा सा मूर्ति। वो मूर्ति किंतु आपका रोड से ही दिखाई दे रहा था, तो रोड से इतना अट्रैक्टिव लग रहा था जो सभी उधर ही फोटो खींच रहा था। तो चलिए अभी आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाते हैं। बस इतना सुंदर जो मंदिर दिखाई दिया आज, बहुत अच्छा लगा, मन एकदम खुश हो गया। तो आप लोग भी आ जाइए थोड़ा देखने के लिए। इधर का मूर्ति बोलिए, बड़ा जो भोलानाथ का मूर्ति है, शिव जी का जो मूर्ति है, और इतना सुंदर ब्यूटीफुल का जो डेकोरेशन किया है वो तो देखने वाला चीज है। और जो कारुकाज है, मार्बल का जो कारुकाज किया है वो भी बहुत सुंदर लग रहा था। और नीचे इधर पूरा सुंदर करके इंडोर प्लांट सजाया है, वो तो आजकल का ट्रेंड में है ही इंडोर प्लांट सजाना। तो इधर भी आप दिखाई दिया, बस अच्छा भी लग रहा था। एकदम रोड का ऊपर ही है ये जो मंदिर है, एकदम रोड का ऊपर है, बहुत जोर आ रहा था। और छुट्टी का दिन था, सभी आता है, आप लोग भी जाइए। और मेरा ब्लॉग का थ्रू आप लोगों को ये जो मंदिर दिखाई दिया, आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज का हिंदी ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा। और चलिए
ताले अभी लौटने का टाइम है क्योंकि पूरा मंदिर दर्शन अच्छा से हो गया, आप लोगों को साथ भी शेयर कर दिया। ये आपका जाने का टाइम पे जो ऊपर में गिर पड़ता है ना वो वाला हम दिखा दिए, थोड़ा लाइट फाइट देके डेकोरेट किया है। और जो कारुकाज है बहुत सुंदर है और इधर सब बैठे हुए थे। और चलिए ये आपका जाने का रास्ता है और इधर से हम गए थे जब एंट्रेंस किए थे सब ऊपर यहाँ से गए थे। और इधर चलिए थोड़ा सा दिखाई दिया, इधर तो जाएगा है जो बहुत जो जा रहा है। तो इधर आपका खाने खाने खाना टाना खाने के लिए इधर है प्रसाद खाने के लिए। तो चलिए प्रसाद इधर खाने का टाइम भी दिया हुआ है, आप लोग अगर कोई खास खाना चाहते हैं तो वो टाइम के अनुसार ही आपको आना पड़ेगा। सुबह में शायद 12:30 तक है और रात को 9 तक है खाने का टाइम। तो चलिए इधर से जाते हैं, देखते हैं सब लोग कहाँ जा रहे हैं। आप लोगों को पूरा ही मंदिर दर्शन करा दिए तो इतना सा भी क्यों रखे, चलिए देखते हैं कहाँ जाते हैं ये लोग। तो हम भी ऐसे ही देखते देखते इंडोर प्लान देखते देखते चला गया इधर उधर करके, आप लोग को भी घुमा दे रहे हैं। आप लोगों को जरूर अच्छा लगेगा, प्लीज अच्छा लगने से प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, बोलिएगा कैसा लगा आज का ये ब्लॉग। तो राउरकेला में जो जो है प्लीज जाइए आप लोग भी और मेरा ब्लॉग देखिए, आप लोग को मेरा ब्लॉग देखने से सब पता चल जाएगा। और हम तो बोल दिए अच्छे से डिटेल्स में बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर देखिए, इधर तो हम लोग आ गए घूमते घूमते आ गए, इधर भी एक तो मूर्ति था तो वो भी आप लोगों के साथ चलिए शेयर करती हूँ। बहुत भीड़ था इधर लेकिन हम लोग जाते जाते भीड़ पूरा गायब हो गया। चलिए दिखाती हूँ कैसा मूर्ति है, इधर भी इंडोर प्लांट था बहुत सारा और ये जो इधर कृष्ण का मूर्ति है जो बहुत सुंदर लग रहा था, देखिए अच्छा लग रहा था। और पूरा शांति का माहौल है, माहौल तो भी बहुत अच्छा लग रहा था। और आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा है। तो चलती हूँ, फिर से दिखाई होगा। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।